नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दिल्ली पुलिस द्वारा सिख पर की गई बर्बर पिटाई के मामले में आज फतेहाबाद में सिखों ने किया विरोध प्रदर्शन। सिखों के आज 8 संगठन लघु सचिवालय पहुंचे और उनके द्वारा मामले की सख्त कार्रवाई को लेकर के जिला उपायुक्त राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं सिख संगठनों ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने व मामला दर्ज करने की मांग की। वैशिकों ने चेतावनी दी है कि अगर आने वाली 22 जून तक इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो फतेहाबाद सिख संगत द्वारा विशेष मीटिंग कर सख्त फैसला लिया जाएगा। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। मामला है जी, और किस बाबत आज मिलने आए हैं? आज अलग अलग जथेबंदियां जो दिल्ली के अंदर एक सिख ड्राइवर के साथ जो मारपीट हुई है, पूरी दुनिया में जो मानवता को प्यार करने वाले विरोध कर रहे हैं। आज हम भी फतेहाबाद डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र भेज रहे हैं, क्योंकि एक आदमी को 15 पुलिस वालों ने बर्बरतापूर्ण सड़क पर लटाकर पीटा, इतना मारा कि जितना को मान लो हम किसी पशु को भी नहीं मारते। यदि पशु को पीटा जाए तो उसके लिए भी कानून बनाया, उसको सज़ा मिलती है। एक 3 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया, मात्र कोई बढ़िया कार्रवाई नहीं की गई। हम आज मांग करने के लिए आए, दोषियों के खिलाफ 307 के पर्चे दर्ज होने चाहिए, क्योंकि वो तो मारने के इरादे से इतना उसको पीट रहे थे, वो तो बच गया। उसका पर्चा 307 का दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और सख्त सजा उनको दोषियों को मिले। इसी मांग को लेकर आज हम अलग अलग संगठनों के लोग डी साहब के माध्यम से एक मांग पत्र भेजेंगे। यदि इस पर कोई कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं होती तो 22 तारीख को फतेहाबाद के नामदारी गुरुद्वारा के अंदर हम एक पब्लिक मीटिंग बुलाएंगे और इस संघर्ष को तेज करेंगे। उस सर्वजीत को इंसाफ दिलाने की लड़ाई में हम पूरी तरह शामिल हैं। तो आज ज्ञापन सौंप दिया गया है? हाँ जी, अभी हम पर्चा सौंप रहे हैं और ये मांग पत्र दे रहे हैं, और मांग पत्र देने के बाद हम 22 को जो हम एक बड़ी मीटिंग इलाके की बुलाएंगे। किस किस संगठन है ये? अलग अलग संगठन है, इसमें किसान संघर्ष समिति है, शहीद भगत सिंह नौजवान सभा है, कई और संगठन है, 7-8 संगठन है, जो श्री सुखमणि साहिब सेवा सोसाइटी है, कई और संगठन है, जो सर्व समाज है, कई 8 संगठन है। 8 संगठनों के सस्पेंड भी कर दिया, निलंबित भी कर दिया, इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? ये तो मान लो मात्र एक औपचारिकता है, मान लो लोगों के अंदर रोष ना फैले, क्योंकि इतनी शायद देखो दिल्ली में पहले भी 1984 में कत्लोगार्द की गई, और ऐसे मान लो ये एक खास मान लो जैसे सिख के खिलाफ नफरत थी, ऐसा समुदाय के खिलाफ नफरत थी, ऐसा नजर आ रहा है। जैसे मान लो आप भी जो जिम्मेदारी बनती थी जिन अधिकारियों की, जिन अफसरों की, जिन नेताओं की, वो नेता नहीं पहुंचे पूरी तरह से। ऐसे दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री तो गया, मगर वो कह रहा है ये दिल्ली पुलिस मेरे अंडर नहीं है, मगर दिल्ली पुलिस जिसके अंडर है तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, मौके पर पहुंच जाना चाहिए। दिल्ली हमारा राजधानी है, दिल्ली के अंदर ही ऐसी घटना घटती है तो दूसरे जो हमारे शहर उनमें क्या कैसे मतलब क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनदीप सिंह नथवान। मिले हैं जी एक दिल्ली सिख को ड्राइवर को बर्बरतापूर्ण पटाई गई 15 पुलिस वाले ने एक ही आदमी और छोटे से बच्चे को, 15 साल के बच्चे को सड़क के ऊपर लटा के मारा गया, और एक पुलिस वाला उसके कान के ऊपर पिस्टल से तान के खड़ा रहा है, उसको बारी खोल ली और उसको इतना पीटा है, एक आदमी ने पकड़ के फिर अंदर जाके वो 5-5 आदमी ने उसने ऊपर पा के उसको कुटा जी। 170 निशान है उसके उस पेट के ऊपर। ये बर्बरतापूर्ण घटना है जी, तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं और राष्ट्रपति को हम विज्ञापन सौंप रहे हैं कि इसके उचित कार्रवाई की जाए। तो अब क्या मांग है जी आपकी, किस प्रकार? हमारी ये मांग है जी उनको डिसमिस किया जाए, उनके ऊपर केस डाले जाए, जो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाए। तो अगर ऐसा नहीं होता तो आगामी आपका क्या रहेगा? आगामी जी 22 तारीख को फिर पूरे पूरी यानी के इलाके का इकट्ठा बुलाया जी, तो उसमें जी बड़ी बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश। क्या नाम है जी आपका? मनजीत सिंह।